नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में रेल पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल ट्रेनों में डकैती की घटना को अंजाम देने वाले सातिर गिरोह के दो सदस्यों को रेल पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि ये ट्रेनों में कहीं ना कहीं डकैती की घटना को 9 सदस्यीय गैंग के सदस्य अंजाम देते थे और वहाँ से फरार हो जाते थे। बीते दिनों भी अगर बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार बख्तियारपुर और चंपापुर के बीच में ट्रेन को चेन पुल कर कहीं ना कहीं डकैती की घटना को अंजाम दिया था और वहीं कई यात्रियों से लूट की और डकैती की घटना को अंजाम देकर ये फरार हुए थे, जिसके बाद रेल पुलिस के हत्थे ये अपराधी लगे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए रेल SP अमृतेंदु शेखर ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए। 10:30 बजे में गाड़ी संख्या 3629 अप तिलैया दानापुर पैसेंजर ट्रेन बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से जैसे ही आगे बढ़ी, कुछ दूर बाद चंपापुर हॉल्ट के समीप सटे हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ट्रेन को SP किया गया और 8-10 की संख्या में अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर ट्रेन में पैसेंजर के साथ लूटपाट की घटना की गई। मुख्यतः मोबाइल छीनने की घटना की गई, उनको इंजोर भी किया गया। इसी क्रम में यात्री ललन कुमार, शिवम कुमार, अनिल कुमार, साहिल पटेल इनके साथ घटना होने की सूचना प्राप्त हुई है। कुछ अन्य यात्रियों के साथ भी हुई है घटना, जिसमें की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। उसे रेल पुलिस इस घटना के आलोक में तुरंत ही रेल पुलिस अधीक्षक मुकुल परिमल पांडे जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसमें राजेश कुमार सिन्हा रेल पुलिस निरीक्षक बख्तियारपुर, सोनी संजय सिंह रेल थानाध्यक्ष बख्तियारपुर, सोनी पंकज कुमार प्रभारी रेल खुसरूपुर, सोनी रोहित कुमार सिंह प्रभारी तकनीकी शाखा एवं QRT के सदस्य टीम को तुरंत लगाया गया। इस टीम के द्वारा इसके उद्भेदन और छापमारी करने हेतु इन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई, सघन तलाशी ली गई और नज़दीक के अगल बगल के सटे गांव में लगातार छापमारी की गई। इसी आलोक में दबिश बढ़ने के बाद ये प्लेटफॉर्म के ही पश्चिमी छोर से कुछ सूचना प्राप्त हुई कि कुछ यात्रियों के साथ कुछ भय दिखाकर कुछ पुनः लूटपाट करने की का प्रयास दो व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। तुरंत टीम के द्वारा वहाँ पर जाया गया प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पश्चिमी छोर पे। वहाँ पर दो व्यक्ति दीपक कुमार उम्र 22 वर्ष, पिता सुभाष सिंह साकिन बरियारपुर थाना बख्तियारपुर जिला पटना एवं संजय कुमार उर्फ ब्यास उम्र 20 वर्ष, पिता स्वर्गीय लाल बाबू राय साकिन नया टोला ददौर थाना बख्तियारपुर जिला पटना के पास से 7 मोबाइल, देसी कट्टा 3, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस 2 .315 बोर का इनके पास से बरामद किया गया और बैग भी यात्री के लूटा हुआ बैग बरामद किया गया, जिसमें कि कुछ सामान यात्रियों के थे। इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि बख्तियारपुर से जैसे ही ट्रेन खुली तो इनके पहले से कुछ जो इनके गिरोह की इनके गिरोह में कुल इनके द्वारा 9 सदस्यों की बात स्वीकार की गई है। इनके कुछ सदस्य पहले से ट्रेन में बख्तियारपुर से चढ़ गए और ट्रेन में SCP जैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पहुंची ट्रेन चंपापुर हॉल्ट के पास तो SCP किया गया और SCP करने के बाद ये लोग ट्रेन में चढ़ गए, घात लगा कर ये बैठे हुए थे और यात्रियों को लूटपाट करने इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया और मोबाइल लूटा गया और ये उसके बाद भाग गया, छिप गया। पुलिस का दबिश बढ़ने के बाद ये पुनः दूसरी घटना कायद करने की योजना बना रहे थे, उसी क्रम में ये पकड़े गए। महिलाओं के गहने कुछ लूटने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उनका जो कुछ गहना जैसा है सोने जैसा वो बरामद किया गया है। अभी तक कितने घटनाओं को अंजाम दे चुका है ये बोल रहे थे, इन लोगों के अनुसार बताया गया है कि अभी हाल से इन्होंने कुछ ही दिनों से इन्होंने अपराध करना शुरू किया। इस गैंग का मुख्य सरगना कौन है? इनके गैंग का नाम कोई बताया नहीं है, लेकिन मुख्य किंग पिन दीपक कुमार ही है। कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाले हैं पिता सुभाष सिंह साकिन बरियारपुर थाना बख्तियारपुर जिला इनका भी जुटाया जा रहा है अपराधी। सर, ये लोग कहाँ चढ़ते थे और कहाँ घटना देकर उतर जाते थे? बख्तियारपुर से चंपापुर के बीच में ही इन्होंने घटना किया। चंपापुर हॉल्ट पे बख्तियारपुर पर सुनियोजित तरीका से ये चढ़ते थे, चंपापुर के नज़दीक ये SCP करते थे हॉल्ट के पास और वहीं पे घात लगा के जो पहले इनके साथ ही बैठे रहते थे उन लोगों के द्वारा ये घटना किया गया। कितने ट्रेनों में डकैती हुई थी अभी तक? इन लोगों ने ये नहीं बताया पूर्व की घटनाओं का, लेकिन ये बताया कि कुछ ही दिनों से इन लोगों ने शुरू किया। जनरल डिब्बा को टारगेट करते थे या इसी पैसेंजर ट्रेन है? सब लोकल ही है सर, सब लोकल पैसेंजर ट्रेन, सब लोकल है। ये दोनों पकड़े गए बख्तियारपुर के और गिरोह के सदस्यों का नाम बताया इन्होंने, उस पर छापमारी की जा रही है पकड़ने के लिए। चला है कि महिलाओं से भी इन लोगों ने मारपीट किया,
इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सर स्टेशन से कितने अपराधी चढ़ते थे और गिरोह के कुछ सदस्य बताए गए, संख्या एग्जैक्ट नहीं बताया है। गिरोह के कुछ सदस्य बख्तियारपुर में चढ़े, एसीपी किया गया इनके द्वारा चंपावली हॉल्ट के पास और पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप पहले से घास लगा के बाकी सदस्य बैठे हुए थे, वो लोग तुरंत चढ़ गए। घटना पर पिस्टल के बट से मारकर घायल किया। हाँ, अभी सूचना जो प्राप्त हुई है इसमें देसी कट्टा से ही मारकर घायल करने की सूचना मिली है। घायल जो हुआ है उसका नाम क्या है? घायल व्यक्ति साहिल कुमार का आ रहा है जो कि पटना में उतरे हैं, और अनिल कुमार जो कि पटना साहिल में उतरे हैं इनका आ रहा है। कहाँ के रहने वाले? अभी इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और ललन कुमार और शिवम कुमार ये वहीं पर उतर के इन्होंने शिकायत किया, खुशीपुर किया गया मोबाइल और भय दिखाकर पिस्टल से इन्होंने और देसी कट्टा दिखाकर इन्होंने लूट पर प्रारंभ किया। जियो किया इनकी स्टेशन बख्तियारपुर से ही हुई है। ये हथियार कहाँ से लाया था? इतना हथियार इन लोगों ने पहले से ही लोकल मार्केट या कहीं से, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, अनुसंधान चल रहा है। सर ये लोग कितने लोग शामिल हैं सर, और भी कोई लोग? नौ लोग हैं। लगातार छापेमारी की जा रही है, सात अन्य को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले का खुलासा रेल पुलिस ने करते हुए इन डकैती की घटना को अंजाम देने वाले दो साथीर को सरगना सहित गिरफ्तार किया है। वहीं इनके पास से लगभग सात लूट के मोबाइल और चार पिस्टल बरामद किया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।